सब्सक्राइब कीजिए कैरियर गुरु जी चैनल को और उसके बाद इस घंटी के निशान को दबाना तो बिल्कुल ही मत भूलना हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है कैरियर गुरु जी की नई वीडियो में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करेंगे यूपी में लेखपाल की 4000 भर्ती के बारे में। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ, मैं आपको सारी चीजें इस वीडियो में डिटेल्स में बताऊंगा। दोस्तों उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं तो sarkarijobfind.com वेबसाइट को जरूर से देखा कीजिए। यहाँ पे जो भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म आते हैं सारे फॉर्म आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, sarkarijobfind.com। कुछ इस तरह की वेबसाइट है, इसे आप गूगल में सर्च कर सकते हैं सरकारी जॉब के नाम से। जैसे गूगल में सर्च करेंगे सरकारी जॉब, ये वेबसाइट आपको फर्स्ट नंबर पर मिल जाएगी। आप ऐड को मत देखिए, sarkarijobfind.com वेबसाइट को देखिए, इसको खोलिए, उसको देखिए। यहाँ पे जो भी सरकारी नौकरियों के फॉर्म आते हैं सारे फॉर्म आपको मिल जाएंगे, चाहे स्टेट गवर्नमेंट, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे जो भी फॉर्म हो, सारे फॉर्म, एडमिट कार्ड, एडमिशन फॉर्म, जो भी फॉर्म आते हो ऑफलाइन ऑनलाइन, सारे फॉर्म यहाँ पे आपको मिल जाएंगे sarkarijobfind.com वेबसाइट को। इसको आप ध्यान में रख लीजिए, इसको दिन में 3 से 4 बार देखा जाइए, क्योंकि आपका हित होगा। आपके लिए जो भी फॉर्म आगे कोई छूटेगा नहीं, अन्य किसी वेबसाइट पर सारे फॉर्म नहीं होते, लेकिन इस वेबसाइट पर आपको सारे के सारे फॉर्म मिल जाएंगे sarkarijobfind.com पे। बात करते हैं सीधे दोस्तों इस न्यूज के बारे में, 4000 लेखपालों की भर्ती के बारे में। दोस्तों ये न्यूज है, जल्दी से जो न्यूज आई है ये आपको अभी 2-3 दिन पहले की न्यूज है। तो 4000 लेखपालों की भर्ती के लिए जो है उत्तर प्रदेश की तरफ से मंजूरी मिल गई है। तो क्या है ये भर्ती, सारे हम बताने वाले हैं कि यहाँ पे भारतीय सरकार पूर्ववर्ती समाजवादी सरकार का एक और महत्वपूर्ण फैसला पलटने जा रही है। लेखपाल भर्ती प्रक्रिया राजस्व परिषद को लेकर उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन आयोग को देने की तैयारी है। इसके बाद लेखपाल के 4000 पदों की भर्ती प्रक्रिया अधीन सेवा चयन करेगा। तो जो 4000 लोगों की जो भर्ती की प्रक्रिया है वो जो है 4000 जो है अन्य सेवा चयन को दिया जाएगा। वर्षों से खाली है पद, राजस्व विभाग ने लेखपाल के करीब 4000 पद वर्षों से खाली है। राज्य सरकार ने समूह ग तक के भर्तियों का अधिकार उत्तर प्रदेश अन्य सेवा चयन आयोग को दे रखा है समाजवादी सरकार ने। इसके बाद ही लेखपालों की भर्ती का अधिकार राजस्व परिषद को ही दिया रखा था। राजस्व परिषद द्वारा पूर्व में गई लेखपालों की भर्ती में धांधली के आरोप लग चुके हैं, इसलिए भाजपा सरकार यह जो है अधीन सेवा चयन आयोग को देने जा रही है। यहाँ पे कैबिनेट से मंजूरी की तैयारी, सूत्रों का कहना है कि लेखपाल भर्ती प्रक्रिया राजस्व परिषद को लेकर अधीन सेवा चयन आयोग को देने के संबंधी प्रस्ताव जल्दी कैबिनेट मंजूरी के लिए भेज दिए जाने की तैयारी है। कैबिनेट मंजूर के बाद राजस्व परिषद लेखपाल के रिक्त पदों पर भर्ती का प्रस्ताव उत्तर प्रदेश अधीन सेवा चयन बोर्ड को देगा। आयोग प्रस्ताव मिलने के बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। ऑनलाइन आवेदन होंगे, अधीन सेवा चयन आयोग भर्ती संबंधी प्रक्रिया ऑनलाइन करने की तैयारी है। NCERT NIC से सॉफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है, इसके माध्यम से सभी भर्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, इससे जिससे भर्ती प्रक्रिया समय से पूरी हो सके। अधीन सेवा चयन आयोग का मानना है कि ऑनलाइन आवेदन लेने में धांधली की संभावना कम रहेगी और चयन प्रक्रिया समय से होगी। तो दोस्तों ये जो न्यूज है, ये 4000 लेखपाल के लिए जो भर्ती खाली है, पहले जो राजस्व विभाग को दिया गया था जो समाजवादी सरकार में, लेकिन अब इसे अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को दिया जाएगा जिससे धांधली ना हो सके। तो जल्दी जल्दी इस फॉर्म को वहां से अब जो है भेज दिया जाएगा, जो है पूरी तैयारी हो चुकी है, फॉर्म जल्दी जल्दी आपको ऑनलाइन दिखने लगे और आप फॉर्म को भर सकेंगे। तो बहुत बड़ी न्यूज निकल के आ रही है, खासकर उत्तर प्रदेश के जिन्होंने लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, जो बहुत ही दिन से जो है इस भर्ती का इंतजार कर रहे हैं। तो यही रही इस वैकेंसी के बारे में, इस भर्ती के बारे में सब कुछ न्यूज, सब कुछ जानकारी। तो मुझे उम्मीद है आपको ये चीजें जानकारी पसंद आई होंगी। ये चीजें पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एक नई किसी न्यूज और वैकेंसी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।